हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ ग्रेनेड्स के बारे में। मैं आपको काफ़ी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ ग्रेनेड्स के बारे में। कभी कभी तो यार ऐसा होता है कि गन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड हो जाता है, तो भाई लोग वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ट्रेनिंग मोड में एंटर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन, पिक एंड थ्रो। पिक एंड फायर के बारे में तो सबको ही पता होगा। इस बार हम बात कर रहे हैं पिक एंड थ्रो की। जैसे मान लीजिए बंदा सामने, आपको लोकेशन पता है उसकी, आप कवर में हैं, आपको मॉड या नेट करने के लिए कवर से निकलना पड़ेगा, फिर होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पिक करके मॉली करनी है, नेट करना है, जो भी हो। उससे हमारे पास बेनिफिट रहेगा, हमारे पास कवर है। पॉइंट नंबर टू, कोक नेट। अगर आप नेट कोक नहीं करोगे, ऐसे फेंक दोगे, तो एनिमी को पता चल जाएगा, एनिमी वहाँ से हट जाएगा जहाँ पे नेट गया है। इसलिए हमेशा नेट जब भी करें कुक करके फेंकें। मैंने 2 सेकंड पे नेट छोड़ दिया है, खिड़की के अंदर डायरेक्ट नेट फटा, अब एनिमी नॉक हो जाएगा या किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, ऑलवेज ऑन जायरो। अभी मेरा जायरोस्कोप ऑफ है, मैं थंब यूज़ कर रहा हूँ। बहुत देर लगती है एम करने में, नेट का एम करने में। मैं अगर जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन कर दूँगा तो मुझे अपने थंब यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं बहुत आसानी से एम कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर फोर, आई बटन। एक काम करते हैं, पहले अपनी सेटिंग्स खोल के, कंट्रोल्स खोल के, कस्टमाइज, ये वाला आई बटन जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जितना आप चाहो। मेरे हिसाब से तो 150 तक ठीक रहेगा। अब आप किसी कवर में हो, नीचे की साइड डाउन द रीच में, इधर खिड़की होती है, आपको पता ही होगा। मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा खिड़की में जा रहा है या नहीं जा रही है। ये अब इस आई बटन का यूज़ करना है, खिड़की में नहीं जा रहा, इससे बिल्कुल एंगल बहुत अच्छा होता है, व्यू आ जाता है पूरा। नीचे करेंगे, फिर से चेक करेंगे, खिड़की में जा रहा है, ऐसे ही। कवर में पॉइंट नंबर फाइव, डिस्टेंस। मैं 45 डिग्री एंगल पर मॉली फेंकता हूँ, मॉली अपनी यहाँ गई 50 मीटर। अगर मैं मॉली कूद के फेंकता हूँ 45 डिग्री एंगल पर, कहाँ जाती है, ये गई 70 मीटर्स। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।